हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 5.1 और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी, गर्ल जी। तो जो शॉपिंग करने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे आए हैं, अगर वो मैन है तो उसको एम से रिप्रेजेंट किया गया है, वी मैन है तो डब्ल्यू से, बॉय है तो बी से, और गर्ल है तो जी से यहाँ पर उनको एक्सप्रेस किया गया है। और जो लिस्ट दिया गया है कि मॉर्निंग के फर्स्ट 4 आवर्स में, वो आप लोगों के सामने है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है टैली मार्क्स का यूज करके, और एक बार ग्राफ हम लोगों ने इसका बनाना है। चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे, और टैली मार्क्स का यूज करना है तो मुझे यहाँ पर 3 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास 3 कॉलम्स बन गए। अब उसके बाद देखो, नंबर ऑफ रोज डिसाइड करनी है, वमेन, मैन, गर्ल, बॉय, तो 4 ये हो गए, और एक हमारे पास रो चाहिए ऊपर जो हमारी हेडिंग्स होंगी। तो ये 1, दिस इज 2, 3, तो 4 एंड 5। तो ये हमारे पास टेबल तैयार हो गया है। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे शॉपर्स। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे टैली मार्क्स, और थर्ड में हम लोग लिखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैन की बात करेंगे, कैपिटल है, एम कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15, तो 15 टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, और एक लाइन कट हो गई, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यानी कि टोटल 15 मेन है। देन वीमन, वीमन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28। तो 28 फ्रिक्वेंसी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये 28 वीमेन हो गई। उसके बाद गर्ल, गर्ल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 गर्ल्स हैं, तो 12 के लिए टैली मार्क्स बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देन लास्ट इज बॉय, बॉयज हैं 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 बॉयज आर देयर, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बॉयज, तो हमने 5 बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ हो गया है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ के लिए एक आपको वाई एक्सिस खींचना है और एक आप लोगों को एक्स एक्सिस खींचना होता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नाउ हमारे पास जो बार ग्राफ है उसमें मैन, वुमेन, गर्ल और बॉय का चलेगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको 55 से लेकर मैक्सिमम 28 तक चाहिए। तो इट मींस आई विल मेक अराउंड 10, 10 10 का गैप ले लेंगे, 10, 20 एंड दिस इज 30। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, नीचे लिख देंगे अपन शॉपर्स। सबसे पहले मैन के लिए 15, तो 15 हमारा 10 और 20 के बीच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
लाइक दिस, इस तरीके से आप थोड़ा सा गैप रख दें, लाइक दिस। तो दिस इज योर 15, इसको ऊपर 15 से इंडिकेट कर दें, और ये आपके हो गए मैन, एम ई एन, तो ये मैन आ गया। ओके, उसके बाद विमेन का है 28, और 28 के लिए भी हम लोग जाएंगे। गैप आपने इक्वल रखना है, जितना गैप ये है एस्टिमेट लगा के 28 आपका अराउंड यहाँ पे बन जाएगा। विड्थ भी आपको सेम रखनी है, स्केल से बनाओगे तो आपका बहुत सही बनेगा। दिस इज अराउंड 28, तो ऊपर 28 लिखेंगे, एंड हेयर आई विल राइट डब्ल्यू ओ एम ई एन, विमेन। ठीक, नेक्स्ट है गर्ल 12, तो 12 है 10 और 20 के थोड़ा सा अब लाइक दिस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, गैप सेम रखना है। तो 12 एंड दिस इज गर्ल, सो जी आई आर एल, लास्ट इज बॉय 5, तो 5 आपका 10 और 0 के मिड में आ जाएगा, अराउंड लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा गैप एडजस्ट कर लेना है, तो 5 एंड दिस इज बॉय, बी ओ वाई। तो इस तरीके से ये बार ग्राफ आप लोगों का ड्रॉ हो गया है कि शॉपिंग करने के लिए कितने मैन, वीमेन, गर्ल और बॉय वहां पर आए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 30 वर्कर्स की वीकली वेजेस आपको दिया हुआ है, तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे डाटा है, तो आपको टैली मास्क का यूज करके एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, और इंटरवल में हमें अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, और टैली मार्क्स का भी यूज करेंगे। चलिए, तो टैली मार्क्स का यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे अगेन 3 कॉलम से ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट एंड देन ओके, दिस इज 3 कॉलम्स। इंटरवल, इंटरवल देखने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे 800 से स्टार्ट करना है, तो मिनिमम हमारे पास है 810, ओके 810 से ही हमारे पास, और लास्ट इज 890, तो इसका मतलब है कि हमें अराउंड 900 तक, 806 भी है तो 8 900 तक हमें जाना पड़ेगा, तो यानी कि 10 और 1 11 हमें रोज चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट रो, दिस विल बी द से सेकंड रो, दिस विल बी थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो, एट्थ रो, नाइन्थ रो, 10 एंड 11th। ऊपर ज्यादा गैप रख लिया इसीलिए यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू है। चलो ओके, फर्स्ट इंटरवल में हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स। सेकंड में आएगा आपका टैली मार्क्स, और थर्ड में आएगा फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे। चलिए, तो 800 से स्टार्ट करेंगे, 800 से 810, देन 810 से 820, फिर 820 से 830, 830 से 834, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, देन 880,
880 से 890 एंड 890 से 900। तो ये हमारे पास डन हो गया। चलिए अब 800 से 810 के बीच में देखते हैं कितने नंबर्स हैं। हम एक बात याद रखनी है कि लोअर लिमिट जो होती है वो तो इंक्लूड होगा वैल्यू, लेकिन अपर लिमिट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर 810 का डाटा है जो आपको दिख भी रहा है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। यानी कि अपर लिमिट कोई भी यहाँ पे नहीं काउंट होगा, 810 इसमें नहीं नेक्स्ट में काउंट होगा, 820 यहाँ पे नहीं नेक्स्ट में काउंट होगा। तो हमेशा लोअर लिमिट काउंट होगी, अपर लिमिट नहीं जाएगा। अब 800 से लेके 810 के बीच में हमें ध्यान से बड़े देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक भी हमारा मिस आउट हो गया तो फिर सारा डेटा हमारा खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1804, 8082, देन 8063, तो तीन टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 3। 810 से 820, तो 810 इसमें इंक्लूड होगा, 820 इंक्लूड नहीं करेंगे, 812 आ गया है, दो टैली मार्क्स, तो दो लगा के 2 कर देंगे। 830 नहीं होगा, वो नेक्स्ट में जाएगा, 820 इसमें जाएगा, 820 के बाद कोई और इसमें नहीं आ रहा, तो सिर्फ 1 ही यहाँ पे बनेगा फ्रीक्वेंसी। 830 वाली टर्म इंक्लूड होगी, दैट इज 1, ये भी आएगा, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, देन 6, थोड़े ध्यान से देखने वाला काम है, 6, 7, 8, 9, 9, 840 नहीं आएगा, तो 9 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 आ गया। देन 840 से 850, 840, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 840 आएगा, 3, 3, 3, 4 एंड 5, तो 5 आ गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख देंगे। 850 से 860, तो 850 से 860 के बीच में नहीं, ये नहीं लेंगे, अपर लिमिट में आ गया। 855, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, only 1, तो 1 आ जाएगा। देन 860 से 870, 869 आएगा, यस, 1, 860 आएगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 868 भी आएगा, 3, 3, तो 1, 2, 3, तो 3 लगा देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। 870 टू 880, 870 से 880, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, तो 885 नहीं, 870, ओके मिल गया, 878, तो 1, तो दिस इज 1। 880 से 890, तो 890 इंक्लूड नहीं करेंगे, 898 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 890 भी इंक्लूड करेंगे नहीं, तो सारे हो गए, ये भी सारे हो गए। 885, यस, 885 आ गया है, और 890 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 आ गया, तो ये भी 1 आ जाएगा। अब जो बच गए हैं वो सारे आ जाएंगे, 1, ओके, 2, 3, 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 4, तो 4 आ गया, 1, 2, 3, 4, 4, काउंट कर लेते हैं, क्या ये 30 बन रहे हैं, 3, 5, 6, 15, 20, 1, 24, 25, यस, ये 30 बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा डाटा सही है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हो, यही उन्होंने पूछा था, टैली मार्क्स बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, इंटरवल्स को आप लोगों ने इस तरीके से टेक ओवर करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्लियर हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।